So example, the diameter of Jupiter is 1.42984 × 10⁸ meter, and the diameter of the Pluto is 2.32 × 10⁶ meter. Find the difference between their diameters. So here डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना. डिफरेंस का यही मतलब होता है. तो सिंपल है, दोनों को डायमीटर का आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों को माइनस करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों डायमीटर में से कौन सा डायमीटर सबसे बड़ा है, डायमीटर ऑफ जुपिटर और डायमीटर ऑफ प्लूटो. क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालते हैं या माइनस करते हैं, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं. सो हियर द जुपिटर डायमीटर इज 1.42984 × 10⁸ मीटर. जिसकी एक्सपोनेंट सबसे बड़ी है वो आपका जो नंबर है वो बड़ा है. अगर आप देख रहे हैं जुपिटर का जो डायमीटर है उसकी एक्सपोनेंट में क्या है, 8 है, और प्लूटो की एक्सपोनेंट में क्या है, 6. सो डायमीटर ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द प्लूटो. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जुपिटर का डायमीटर लिखेंगे 1.42984 × 10⁸ माइनस 2.32 × 10⁶. डिफरेंस निकालना है ना. डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है. अब यहाँ पे सबसे मेन आपका जो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने ये करना है कि आपकी ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म में से आपने कोई एक टर्म सेम करनी है, ठीक है. यहाँ पे 10⁶ है, यहाँ पे 10⁸ है. 10⁶ का 10⁸ नहीं बन सकता, बट 10⁸ को आप 10⁶ बना सकते हैं. कैसे, स्प्लिट करके. आपने 10⁸ को स्प्लिट करके कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं. जब आप इसको करेंगे, दोनों के बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और यही चीज बन जाएगी. तो 10⁸ को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं. Yes, ma'am. तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, बाकी आपका ये जो है ये सेम रहा, ठीक है. तो आपने ट्राई करना है कि आपके जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है, अगर आप ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे माइनस कर रहे थे दो टर्म्स को, तो एक्सपोनेंट वाली टर्म आपने सेम करनी है. तो मैंने यहाँ पे 10⁸ को स्प्लिट करके 10⁪ और 10⁶ लिख दिया और ये दोनों मैंने सेम कर दी. ये सेम करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आगे 10⁶ को कॉमन लूंगी, इसलिए मैंने 10⁶ जो है वो स्प्लिट किया, 10⁸ को इसमें स्प्लिट किया. ओके, आगे नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे हम, 1.42984 × ये चीज क्या है, 100. 10⁻² मतलब 10 × 10 दैट इज 100. तो लिख सकते हैं, ठीक है. अब आपने इस टर्म में 100 × करने हैं. अब यहां पे 100 × करने का मतलब ये नहीं कि रफ में चले गए और मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जब आपने इस टर्म में 100 × किया तो मतलब ये है कि साथ में क्या लग जाएंगी, दो जीरोस लग जाएंगी. जब आपने इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये है कि 100 में जो दो जीरो हैं वो साथ में लग जाएंगी. अब पॉइंट कहाँ लगेगा, उसके लिए आपने देखना है कि पॉइंट से आगे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे 5 डिजिट गिनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है.
समझ आ गया। आपने सिंपली अभी जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल की तरफ ध्यान मत दीजिए। अभिनव शर्मा बेटा, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में एग्जांपल सॉल्वड है, तो यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसको मैं नोट भी कर रहा हूँ। हाँ, बस ध्यान से सुनना है मुझे। तो अगर कोई डेसिमल वाला नंबर जिसको आप 10,000 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल को भूल जाओ, सिर्फ वो नंबर लिखो और उसके साथ उतनी जीरोस लगा दो। उसके बाद आपने डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उतने ही डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 142.98400, ठीक है, इंटू 10^6 -2.32 इंटू 10^6। बाकी तो वैसा ही है, बाकी कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसे ही है। अब नेक्स्ट आपने टर्म में क्या करना है, अपने 10^6 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट के आगे जो ये नंबर लिखा है 984, पॉइंट के आगे जीरो जो होती है उनको हम हटा देते हैं, नहीं लिखते। तो मैंने नेक्स्ट टर्म में क्या किया है, मैंने सिर्फ 984 लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपके पास कोई नंबर है 56.46320, तो पॉइंट के आगे जो भी जीरो आ रही है उनको हम लिखते नहीं है। तो हमने क्या किया, 56.4632 इस तरह से लिखती है। या आपके पास इस तरह का कोई नंबर है 34.120, तो इसको कैसे लिखेंगे, 34.12 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस जीरो को, इन दोनों जीरो को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया आगे, ठीक है। अब आप 10^6 को कॉमन ले लीजिए, 142.984 -2.32 और 10^6 को बाहर लिख दिया। जब टर्म्स में अगर कोई आपको कोई चीज़ कॉमन लग रही है, जैसे यहाँ पे 10^6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों टर्म्स में है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को आपने हटा दिया और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या रहा, एक तो आपकी ये टर्म रही और एक ये रही। अब इनको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं, 142.984। अब इससे आप ये चीज़ माइनस कर रहे हैं तो आपको पता है डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, तो आपने 2.32 को इस तरह से लिखना है कि डेसिमल के नीचे ही आपका डेसिमल आए, ऐसे, ठीक है ना। आता है ना सब्ट्रैक्ट करना, डेसिमल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और बाकी जो डिजिट्स है वो आगे पीछे जैसे हैं वैसे रहने देने। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 4 से 0, 4, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, ओके। 8 से 2 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ जी सब्ट्रैक्ट करना है इसे, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा, एट से टू 6, 0, ये आ गया आपके पास 1, 4, 0, 6, 6, 4, yes। मैम ये मैम 2.32 में मैम जीरो कहाँ से आया, देखो यहाँ पे ऐसे था, जब भी हम डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोस डेसिमल नंबर है ना 142.984 मैंने लिख दिया, अब इससे 2.32 माइनस करना है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं वो 142.98
अब यहां से 2.32 माइनस करना है तो वो इस तरह से माइनस करते हैं, ऐसे लिखेंगे वो, या फिर वो ऐसे लिखेंगे 142.984, या ऐसे लिख देंगे। उनको पता ही नहीं लगता कि इसको कहाँ लिखना होता है, कहाँ जैसे इसे लिखेंगे। तो जब भी कोई दो डेसिमल नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। वो कैसे आएगा, 142.984। मैंने 2.32 का जो पॉइंट है यहाँ लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, अब 2 यहाँ आ जाएगा और 32 यहाँ आ जाएगा डिजिट के नीचे। अब कुछ स्पेस खाली आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, जो स्पेस खाली है वहाँ 0 लिख दो। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आया आपके पास, ठीक है, ओके, यस मैम। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आपका जो डिफरेंस आया है वो ये आया है, और जैसे कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो साथ में यूनिट जरूर लगाने हैं मीटर। अब क्लियर है, यस मैम। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह से है तो करेंगे। अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल समझ रहा था। कौन सा बोलिए, मैम जो आपने कल करवाया था स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एग्जांपल था, कौन सा मुझे बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एग्जांपल करवाए थे ना मैम स्टार्टिंग में आपने, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चंस जो है वो समझने हैं। ओके चलिए, बेटा अपने माइक बंद करिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी बड़ा नंबर है या कोई भी छोटा जो नंबर है उसको जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे कि जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री टू फाइव, बहुत छोटा नंबर है ये, लेस देन वन, एंड पॉइंट के आगे इतनी जीरो हैं जिससे पता चल रहा है कि बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली हम क्या करते हैं कि a इंटू 10 रेज टू पावर b, इस तरह से हमारा जो फॉर्म आती है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना ना, तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करिए, 3, 2, 5 अपॉन कितने डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट हैं, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, 10 रेज टू पावर 9। ओके, अब इस 10 रेज टू पावर 9 को ऊपर लेके आना है, क्योंकि इस फॉर्म में लिखते ना तो ऊपर है, तो जब 10 रेज टू पावर 9 को ऊपर लेके आएंगे तो पावर जो होगी वो हो जाएगी माइनस में, चेंज हो जाएगी। अब एक और कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के आगे क्या लगता है, पॉइंट लगता है, तो मैंने यहाँ पे 3.25 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया एक डिजिट के आगे। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट के आगे के डिजिट काउंट करने, 1, 2, और उतने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, पावर में 2 ऐड कर देने। तो यहां से आपके पास माइनस प्लस माइनस, 9 से 2 गए 7, और जैसे कि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और ये हमारा जो नंबर था दिस इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है
तो हमेशा आपकी एक्सपोनेंट जो होगी वो नेगेटिव ही आएगी। अगर नंबर पॉजिटिव है तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, जो आपने पीछे ए मल्टीप्लाई टेन बी लगाया था मैम, ये जो मैम ये पावर लगाई है मैम, ये इसमें जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैम इसमें लगेगी मैम, ये इस ये वाली पावर। मैंने आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। हमें जो आपने पावर लगाई है माइनस सेवन, जो पावर लगाई है ए माइनस सेवन टेन बी, ये मैं ऊपर। हाँ जी मैम, ये तो मैंने आपको एक मैम, ये जब हम सोल्व करेंगे तो मैम ये पावर लगाएंगे मैम। नहीं, ये तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको इसकी तरह मिलती जुलती लग रही है ना, ये तो मैंने आपको सिंपली ये बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखते हैं हम, कि यहाँ पे एक नंबर होता है मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर, यहाँ पे भी कोई नंबर होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है, जैसे ये देखिए आया ना आंसर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो एक्सपोनेंशियल एक टर्म अलग से लिखी जाती है, नंबर अलग से लिखा जाता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। दिस इज दिस मैम, यस मैम, मैम ये मैम 3 to 5 मैम रेज 10 रेज टू पावर 9 मैम कैसे आया मैम 10 रेज टू पावर 9? माइनस प्लस क्या होते हैं मैम? इधर नहीं मैम, ये साइड में मैम जो आपने ये मैम ये डिनोमिनेटर 325 था, यहाँ 325 था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कंडीशन है कि एक डिजिट के आगे जो है वो डेसिमल लगना होता है। तो मैंने क्या किया, 325 में एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाया। अब डेसिमल लगाया तो कुछ और चेंज भी तो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप यहाँ वहां कहीं भी डेसिमल नहीं लगा सकते, है ना। तो आपने क्या किया, जब यहाँ पे डेसिमल लगाया तो डेसिमल के आगे जो डिजिट्स हैं उनको काउंट भी करिए। डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, और उतने यहाँ पे ऐड भी करने हैं, इसकी पावर में ऐड भी करने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, आपको एक नंबर दिया है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो डेसिमल देख के पता चलता है कि नंबर जो है डेट इज लेस देन 1, वो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है जिसका मतलब ये है कि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी पावर जो होगी वो नेगेटिव में लिखी जाएगी। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 0 के अलावा जो डिजिट्स हैं उनको आपने न्यूमरेटर में लिखा, और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उतने यहाँ पे आपने पावर लगा दी, 10 रेज टू पावर 6। बिकॉज 10 रेज टू पावर 6 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरोज आएंगी, 6 ही जीरोज आएंगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये जो टर्म है ये चली गई न्यूमरेटर में, और पावर जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव 6 है ना, जब ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर -6 लिखा जाएगा। अभिनव अपना माइक बंद करिए। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन ये भी है कि एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। तो आपने क्या किया, 3.21 आपने एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा दिया। अब इस डेसिमल के आगे के डिजिट काउंट करो, 1, 2, और उतने ही आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, इसकी पावर में ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपके पास बना 3.21 × 10 रेज टू पावर -प्लस -6 से 2 माइनस किए 4, और जो बड़ा नंबर है वो 6, और उसके साथ साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा।
और ये हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था कि हमारी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव ही आएगी, तो देख लीजिए नेगेटिव है। ओके, अब मैं कोई पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ जो 10 से बड़ा है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा, ठीक है ना, डेसिमल नहीं है यहाँ पे, जिसे पता चल रहा है जो नंबर है वो 10 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस नंबर की जीरोस को अलग करेंगे, 602 मल्टीप्लाई कितनी जीरोस हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10^7 लिखेंगे, ठीक है। ओके, वहां पे हम पॉइंट्स हटा रहे थे, यहाँ पे देखो ना इस क्वेश्चन में हम पॉइंट हटा रहे थे, जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी उतनी ही जीरो नीचे लगती हैं, डिनोमिनेटर में लगती है, बट यहाँ पे हम पॉइंट नहीं हटा रहे, इस क्वेश्चन में हम पॉइंट थोड़ी हटा रहे हैं, पॉइंट है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, हम सिंपल यहाँ पे जीरोस को अलग कर रहे हैं। तो मैंने ये जो जीरोस थी उनको इस तरह लिख दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो लग रही है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म की एक और कंडीशन है कि एक डिजिट के आगे डेसिमल जरूर लगेगा, तो 6 के आगे हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, 0.02, ठीक है। अब इस डेसिमल के आगे के डिजिट्स काउंट करो कितने हैं, 2, और उतने ही आपने यहां ऐड कर देने हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ये 10^9, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम जो अगर हमें पता है मैम, अगर ये जो आंसर है मैम ये जो है वो पॉजिटिव में आएगा, तो मैम जो 10 और 7 लिखा है मैम ये पहले ही ऊपर लिख देना है, ये ऊपर नहीं, ये ऊपर मैंने क्यों लिखा है और यहाँ पे ये नीचे क्यों लिखा है, ये अभी तक आप समझे नहीं कि यहाँ ये नीचे क्यों लिखा है। जब हम डेसिमल हटाते हैं किसी नंबर से, हम डेसिमल जब हटाते हैं तो डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरो हम डिनोमिनेटर में लगाते हैं जब हम डेसिमल हटाते हैं, बट इस केस में तो यहाँ डेसिमल तो है ही नहीं, यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल नहीं हटा रहे, यहाँ पे सिर्फ जीरोस को अलग कर रहे हैं कि ये जो जीरोस हैं इनको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ से डेसिमल थोड़ी हट रहा है जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो मैंने जीरोस काउंट की कितनी हैं तो मैंने उतनी यहाँ पे पावर लगा दी। क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज को ओपन करिए, इस चीज को खोलिए, क्या बनेगा, ये बनेगा जिसमें 7 जीरोस आ जाएंगे, यही आएगा, और जब आप इस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज बनेगी, 602 के साथ आप 7 जीरोस ही लगाएंगे ना, जब आप 602 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या किया आपने, 602 और साथ में क्या लगा दी, 7 जीरोस लगा दी, ठीक है। तो जब आपने जीरोस अलग करनी है तो आपने न्यूमरेटर में ही लिखना है, ओके अनन्या डोगरा, क्लियर? यस मैम। चलिए तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे अब आप मुझे, करिए इसे, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे। Yes. Ma'am, page number 87 का second example. क्या बोल? रुको एक मिनट।
आप बोलिए यामिनी। मुझे चैट में भेजिए यामिनी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, चैट में बोलिए।